good morning, guys. So, oh, wait, watch. Yes, from that to this. Good morning, family, once again. I'm ready to go. My second day of college. First, कुछ ऐसे ही इंडक्शन तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया. सो लेट्स स्टार्ट. और बुले मेरे लिए खाना बना रही है, मतलब कि लंच बना रही है जो मैं लेके जाने वाला हूँ. और टाइम अभी हुआ है 5:25 अराउंड, करेक्ट. सो बस रेडियो के निकलते हैं फटाफट से और फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट बनाएंगे आज का पूरा, कि कैसा क्या होता है. अगर कॉलेज में अलाउ हुआ तो कॉलेज में, अदरवाइज फिर अपना वहीं पे. तो उसमें दूध बनाया, बादाम अखरोट, बढ़िया. सो इसमें ब्रेकफास्ट हार्ट टाइट और लंच के लिए पराठे, मज़े आ जाएगा. अंधेरा हो रहा है बाहर अभी तक. टाइम हो रहा है 5:50. ये है 222 नहीं, N9 आएगी. सो वेट फॉर N9. अभी तो चलते हैं, स्ट्रीट लाइट आ गई है तो धीरे धीरे करके. सो हो गया पोपट. बस रोक लेनी थी लेकिन जो बस थी 19 शायद मीरान से पहले निकल गई, क्योंकि 52 पे पहुंचा था, उससे पहले शायद वो चली गई, मैंने ध्यान नहीं दिया या जो भी था. तो अब और अगर मैंने ये बस नेक्स्ट बस लेता तो मेरी मेगा बस छूट जाती वहाँ से, तो नुकसान हो गया. अब मैं ओला करके जा रहा हूँ वहाँ तक, जहाँ मेरे 2 pound लगे थे वहाँ मेरे 17 pound लग गए. अपना नुकसान कराते हुए सुबह सुबह 1500 रुपये का. चलो कोई नहीं, इसे सीखा ही मैंने कि टाइम पर वॉट नहीं चलना, बस पहले भी निकल सकती है. तो अभी मेरी यहाँ से बस है 6:30 की, 6:20 हो रहे हैं. ऊबर का हमारा है कि हाँ फिर ड्राइव इनके साथ करी है. चलो अभी 10 minutes है, मेगा बस जाएगी तो वेट करते हैं, देखते हैं वहाँ पहले वहाँ जाकर देखते हैं कि बस आ गई तो मैं बस में बैठ जाता हूँ. मैंने कंफर्म भी कर लिया है यहाँ पे नेशनल एक्सप्रेस, फ्लैक्सी बस, ये भी नेशनल, सारी नेशनल खड़ी है. मेरे लिए भी आई नहीं है, मैंने जाके कंफर्म किया था अब नहीं छोड़ूंगा, तो अभी तक आई नहीं है. वेट कर रहे हैं 6:24 हुए, देखो कब आएगी और कब चलेगी. 6:30 का टाइम था, इट्स वेट. और अभी ये भी नेशनल एक्सप्रेस है, चलो वेट करते हैं. बस तो दिखा रहा है यहाँ से 5 minutes का रास्ता है. तो वेदर तो बहुत ही फॉग सा होना, वेदर तो अल्टीमेट हो रहा है. बस से उतर गया और अभी यूनिवर्सिटी, जिसमें पहले भी आया था, सेकंड टाइम आया हूँ, तो मुझे रास्ता पता है, देखने की जरूरत नहीं है टाइम. लेकिन 8:50 हो गया, मेरे को पहुँचना है 9:00 तक. सो और वॉकिंग डिस्टेंस है 15 minutes का, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है, क्या होता है वहाँ पे. कैमरा सिटी के यूनिवर्सिटी के अंदर अलाव है कि नहीं है. लास्ट टाइम तो ब्लॉग नहीं बनाया था, मतलब इंटेंशनली नहीं बनाया था लास्ट टाइम, इस बार का पता नहीं है. बट अभी मेरे को ये भी देखना है कि रिटर्न में ना मेरी बस यहीं से होगी या फिर वो बस स्टॉप मेगा बस का कोई और है. कोई नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा. और अभी तो थोड़ा सा फटाफट चल रहा है क्योंकि टाइम हो गया ना, 8:50 हो रहे हैं. ये देखो आपको मैं सामने दिखाता हूँ, ये सामने जो है बिल्डिंग जूम बर्मिंघम यूनिवर्सिटी. बस हम पहुँच गए, अभी जाके पता करना है. लास्ट टाइम आया था तो मेरा एक व्हीलर बैग यहीं रह गया था, तो वो नेक्स्ट बिल्डिंग के अंदर हमने खाना वाना खाया था तब, तो बिल्डिंग के अंदर वहीं रह गया था. फिर वो जो हम पहुँच गए लेने तब याद है, अच्छा हमने बैग वहीं छोड़ दिया. फिर वहाँ पे कॉल करी, लॉस एंड फाउंड में बताया कि हमारा ऐसा बैग है, उनका मेल किया, उनको मेल रिवर्ट आया उनका रिवर्ट कि हाँ हमको एक बैग मिला है. बट वेन एवर यू कम बैक कुछ प्रूफ बताना हमको, तो हम आपको दिखा देंगे कैसे करके, तो हो जाएगा. तो बैग भी लेना है अभी तो, लेकिन सबसे पहले बिल्डिंग में जाना है. और 9:00 का टाइम था, 9:05 हो गए. ये है वो बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में मेरा बैग रह गया था, यहीं पे खाना खा रहे थे, जो सामने जो अंदर दिख रहा है यहीं खाना खा रहे थे. अभी जाना है मेरे को इस बिल्डिंग में, जाना है सामने बर्मिंघम पार्क साइड बिल्डिंग में, बैग रह गया था
कजन बिल्डिंग में जाना है, जाते हैं फटाफट से। अब जाना है हाई बिल्डिंग में, तो हाई बिल्डिंग कहाँ पर अपने को देखते हैं, शायद अब कैमरा मुख्तर रख देना चाहिए, डायरेक्ट मिलते हैं बाद में। से बात करी अपने बैग के लिए तो उन्होंने फाइनली बैग दे दिया, बैग मिल गया, सिक्योरिटी चेक क्वेश्चंस पूछे क्या है इसमें क्या है, तो बस मिल गए। अब उन्होंने बताया कि कोई इसने कॉल किया था सेम बैग के लिए और बोल रहा था, वो बहुत रूडली बात कर रहा था, और आई नो कि वो मोहित था। मोहित ने एक्चुअली रूडली नहीं, बात तो नॉर्मली करती, उनको लगा कि वो बहुत रूडली बिहेव कर रहा है ऐसा। सो बस एट द एंड अब निकल गया हूँ यहाँ से, अभी जा रहा हूँ बस के लिए। मुझे पता नहीं बस कहाँ मिलेगी, तो देखना पड़ेगा गूगल करके कि मेगा बस कहाँ पर आती है। और बैग भी मिल गया, जा रहे हैं। कुछ खाया नहीं है, मतलब खाया तो सॉरी यूनिवर्सिटी ने ऑफकोर्स पिज़्ज़ा दिया, पेप्सी, कोक एंड ऑल, ये सब खिलाया पिलाया। अपना जो खाना लेके आया था वो मैं खाना खाया नहीं है, अभी बस में बैठ के ही खाना खाऊंगा। सबसे पहले पता करता कि बस आएगी कहाँ पे। सो यूनिवर्सिटी का अच्छा था फर्स्ट डे, सब कुछ बताया, सारे लेक्चरर और प्रोफेसर से मिलवाया अपने, कौन हमको पढ़ाएंगे, क्या क्या सब कुछ बताया, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया भी, अच्छा है, बहुत मज़ा आया। विल कंटिन्यू फ्रॉम 19th of September, एवरी ट्यूजडे आई हैव अ क्लास टिल 3rd of December, आफ्टर दैट आई गेट माई ऑफ्स। लेट्स सी आगे क्या क्या होता है, जैसे भी ये देखते चलेंगे हम, करते हैं वेट। अभी पहले पता करते हैं जाना कहाँ है। यहाँ पर ये ट्रैम चलती है, जैसे पहले इंडिया में, पहले कोलकाता इन सब में चलती थी, दिल्ली में भी चलती थी, तो ये ऐसे यहाँ पे ट्रैम चलती है रोड पे ही। बस अब मैं पहुँच गया हूँ ब्रुनल स्ट्रीट। अब मेरे को ये पता करना है कि मेगा बस मिलेगी कहाँ से, यहाँ से मिलेगी मेरे को लंदन के लिए, सेम उसी स्टॉप पे जहाँ मैं उतरा था। मैं सोचा था यहाँ पे कुछ बैठ के खाने के लिए होगा, बट ऐसा है ही नहीं, तो अब बस में बैठेंगे और तभी कुछ खाएंगे, तभी कुछ खाएंगे मतलब जो हम लेके आए हैं वो खाएंगे। एक बस तो आ गई, लेट्स सी इज दिस फॉर अस। और जल्दी आया था कि चलो फटाफट बस में बैठेंगे, टाइम डिले नहीं होगा और निकल जाएंगे, बट वो धूप आ रही है पे, बट क्या करूँ, बस डिले हो गई हाफ एन आवर। अभी हो रहे हैं, देखो आपको दिख रहा है टाइम, 4:12 हो रहा है और बस 3:50 की, अभी हाफ एन आवर डिले है, तो मीन्स 4:20 बस आएगी मोस्ट प्रॉबेबली, और डिले हो सकती है, जाम लग रहा है यार। मैं सोचा जल्दी है, जल्दी निकल जाएंगे, जल्दी घर पहुंचेंगे, पूजा भी अकेली है, बट जब सोचते हैं वो चीज़ होती नहीं है ना जल्दी से। तो फाइनली बस आ गई, तो डिले हो गई ये 40 मिनट्स, अभी यहाँ भी रुकेगी और फिर जाएगी, तो देखते हैं ऑल टुगेदर कितना डिले होता है। जस्ट वेट ट्राई, तो फिर से चलो वो निकल गए। अब हम निकले हैं 45 मिनट डिले से, 4:35 हो रहे हैं, 45 मिनट डिले, दैट मींस कि वहाँ पहुँचनी थी कब, टाइम बस भी नहीं बता सकते। बस अब खाना खाएंगे, जो पूजा ने बादाम के बना के दिया था, पूजा ने मेरे को आलू के पराठे बना के दिए थे, और एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स मिले, बैग में परमानेंट रख दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जाओ, तो ये कहीं भी जाओ तो आप इसको खा रखो, सी ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है, ना मज़ा आया था जब इसको खोल पाना सब कि वाह यार, थैंक यू पूजा फॉर दिस। और ये खा के इसको फिनिश करते हैं, फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद रीच टू होम, चिल। लगता है ब्लॉग बनाए, ट्राइपॉड ऐसे रखे हैं। आ गया मैं घर पे बड़ी मशक्कत के बाद आया हूँ, 9:45, क्या बात है सही में। चलो फिर बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आज का ये ब्लॉग था, पता नहीं कैसा था, देख लो, सुबह नुकसान भी हुआ और गिफ्ट वो अच्छा, वो तो मैंने दिखाया नहीं, सॉरी आई कांट डू दैट। ये पहले सुन लेती है, मैं पूजा के लिए ये भी लेके आया हूँ, 2 लीटर वाली पी चुकी हूँ, ये देखो एक लम्बी लेके आया हूँ। और चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं लास्ट में कि मेरे को ये सब मिला है, वहाँ पिज़्ज़ा भी मिला था, पिज़्ज़ा मैंने खा लिया, पिज़्ज़ा और ये सब मिला है। बस चलो अब बाय बाय फाइनली।